यार समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है देश में। जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स और इस तरह की पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है हमारे सामने। यार लोग अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे। अच्छा आप एक बात बताइए, RRB जी के जितने भी अधिकारी होंगी वो स्टूडेंट्स के लिए भला करना चाहते होंगे, तभी तो वो इस फील्ड में आए कि वो स्टूडेंट्स को नौकरी दे सकें। उनका उनका मन कहता होगा कि हाँ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको एहसास था तभी तो ये जॉब मिली है उनको कि हाँ आप अच्छे आदमी हो, आप इनका दुख दर्द समझते हो, आप इन्हें नौकरी दे सकते हो, ये अधिकार आपका है। फिर भी लो बात वही है लालच वाली। और भाई हमें तो आराम चाहिए, हम काम किसी को करना है, इसके चक्कर में ना सब कुछ पूरे स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद कर दी। उनके माइंड से RRB के जितने भी अधिकारी हैं उनके माइंड से पता नहीं कब का निकल गया। छोड़ो भूलते हैं ऐश करते हैं, वो खुशी चली गई उनके, जो रियल खुशी होती है वो उनके उनसे दूर चली गई है। वो सिर्फ इस खुशी पर जी रहे हैं भाई मेरे पास पैसा है, पैसा है और पैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों एक बात समझो, हर इंसान को जितना भी लाइफ में अगर कोई भी इंसान होता है उसको खुश रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है, उसकी दो चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, एक पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल में तो आप अच्छा खाओ और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखो, सफाई सुफाई रखो अपने चारों तरफ, अपने शरीर की पूरी अच्छी तरह से सफाई रखो। और खाने के बाद सफाई रखने के बाद तीसरी चीज जरूरी होती है कि हाँ फिजिकल, आप फिजिकल कितने स्ट्रांग हो, आप बॉडी शॉडी बनाते हो, अपनी पर्सनैलिटी को कैसा लुक करते हो, राइट। और आपका मेंटल कितना स्ट्रांग है, आप क्या सोचते हो वो बहुत मैटर करता है। और आपका सोशल सोशल भी बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है कि आप लोगों के साथ कैसे रहते हो, उनके बारे में क्या फील करते हो, उनकी क्या मदद करना चाहते हो, क्या आप उनकी मदद कर पा रहे हो या फिर उनसे जलते हो, बहुत कुछ मैटर करता है पर्सनल लाइफ पे, जो इफेक्ट करती है एक इंसान को। लेकिन उतनी ही इफेक्ट करती है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, ज़्यादा आई थिंक ये सब तो इफेक्ट करती ही है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, आप कुछ कर रहे होते हो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी एक्चुअली ये कहना गलत है कि आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने आप देश के लिए कर रहे हो। एक्चुअली ना आपका वो ड्रीम है जो भी आप करना चाहते हो, इसलिए आप वो कर रहे हो। तो इस ये कहना छोड़ दो कि हाँ मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर रहे हो। पैसा हर जगह से आ जाएगा लेकिन अगर आप वो काम नहीं करोगे ना, आप खुश नहीं रहने वाले पूरी लाइफ में। तो ये कहना छोड़ दो कि हाँ इसके बिना ये हो जाएगा, उसके बिना, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो वो है। यार तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि आप क्या कर रहे हो, इससे आप खुशी मिलती है। काम मैटर नहीं करता बड़ा है छोटा है, आप कर रहे हो आपको खुशी मिल रही है, सबसे बड़ी चीज ये है। दोस्तों आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं अलग अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ और आपको घुमा रहा हूँ, तब चल क्या रहा है। एक्चुअली मेन मुद्दा यही है ना कि एक इंसान जो जन्मा है वो खुश कैसे रहे, क्या है उसके लिए जरूरी। एक पर्सनल लाइफ बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर वो बंदा खुश रहेगा तो कैसे रहेगा, वो अपना काम करेगा जो भी उसे आता है, जिसमें उसका मन लगता है, जिसमें उसकी खुशी होती है, तब वो खुश रह सकता है। समझ नहीं आ रहा है RRB वाले क्या करने वाले हैं। ये एक बात नहीं है कि अभी हमने बताई हुई है, जो सालों से चला आ रहा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, पता नहीं और कितने साल, मैं तो जानता तक नहीं कब से शुरू हुआ, लेकिन बहुत साल यार हो गया है, सुनते ही नहीं है। और एक ऐसा बंदा नहीं सुन रहा है जिसका पैशन है, जिसकी खुशी है ऐसा काम करने में कि वो लोगों को, स्टूडेंट्स को जॉब्स प्रोवाइड करे, लेकिन नहीं, वो भूल चुका है अपने ड्रीम को। यार अपने ड्रीम को कोई भूल सकता है, उसको कितना दर्द होगा, भले ही अभी वो पैसे भी डूबे हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की लाइफ में कितनी तकलीफें आ रही हैं, वो एग्जाम के चक्कर में कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन बाद में वो रिग्रेट होंगे पक्का। जब वो अपने लाइफ के एंड मोमेंट पे होंगे तब वो सोचेंगे मैं ऐसे काम करता था, इस तरीके से किसी को रुला के, किसी की जिंदगी बर्बाद करके, किसी को ना बता, किसी को परेशान करके। अभी इस बात को समझो, जितने भी आरआरबी के अधिकारी हैं इस बात को समझो कि आप जो इस मुकाम पर हो, आप वो करना चाहते थे तभी सरकार ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोगों की मदद करनी चाहिए। सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी वो बात की बात है, फर्स्ट आप करना चाहते थे उनकी मदद। दोस्तों इस बात को अपने माइंड के अंदर लाओ, सोचो आपने क्यों आरआरबी के ही अधिकारी बनने का फैसला किया, क्योंकि आपको स्टूडेंट से प्यार था। मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ भाई, एक जो भी इंसान इस दुनिया में जन्मा है उसको लाइफ में खुश रहने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने दम पर आओ, आगे बढ़ो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, फर्स्ट जैसा कि मैंने बताया कि हर बंदा दो चीज़ों से खुश रहता है अपनी पूरी लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल में आपको सबसे पहले ध्यान देना है न्यूट्रिशन, आप क्या खाओगे। खाना है ना, एक्चुअली पता क्या, हम इसके ऊपर पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, कि आप कैसे उगाओ और कैसे खाओ। किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ये ना जो फर्टिलाइज़र होते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं भाई, ये सब्जी उगाओगे तो ये लगेगा, ये सब्जी लाओगे तो इतना पैसा, वो ये फर्टिलाइज़र लाना पड़ेगा, ये खाद लानी पड़ेगी, छोड़ो इसको, नेचुरल तरीके से उगाना सिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फैट और आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम उगाना सिखाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप साफ सफाई शरीर की रखा करो, अपने आसपास की रखो, अपने माहौल को एकदम डिज़ाइन और कंफर्टेबल बनाकर रखो। तीसरी चीज़, आपको सोशल में ना बिल्कुल लोगों की मदद करने में यार किसको खुशी नहीं मिलती, तो आप लोगों की मदद करो, आपका सोशल इशू किसी बड़े, ये बहुत बड़ा बन जाएगा। आप किसी की मदद कर रहे हो, आप भी हमेशा खुश रहोगे, लोग भी खुश रहेंगे। और अपना मेंटल चेंज करो यार, ध्यान वहाँ लगाओ जहाँ सारी प्रॉब्लम्स हैं। फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के पीछे किसी की बहस में, पंचायत में, छोड़ो। काम वहाँ लगाओ जहाँ रियल आपका दिमाग लगना चाहिए, कि हाँ आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। मेंटली आप भी बहुत खुश रहोगे, और फिजिकली आपको अपनी पर्सनैलिटी को एकदम लुक करना है, मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं इस दुनिया में सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे ना मुझसे प्यार है और मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैं जिस तरह की लाइफ जीता हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। ये हो गया सबसे बड़ी। और आपको प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम से बहुत प्यार होना चाहिए। आप काम कर रहे हो, नई नई चीज़ें काम कर रहे हो, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हो, उसके ऊपर इतना पागलपन हो कि आपको बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। आप अपना काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको खुशी मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है, बस आप खुश हो। इन चीज़ों से आप आराम से खुश हो सकते हो। सबसे बड़ी ज़रूरी है कि भाई नौकरी कहाँ से लाए, ये बहुत बड़ा, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आधे लोग ये सोचते ही नहीं कि यार प्रॉब्लम है पर सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं। अगर आपको कुछ आता है ना तो आप सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे आजकल क्या चल रहा है, यूट्यूब पे, आप जो कुछ भी आता है, कुछ भी आता है तो आप उस यूट्यूब वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डालो, देखो आप जो लोग सीखना चाहेंगे आपसे वो सीखेंगे आराम से, और आप भी खुश रहोगे। और अगर आपको यूट्यूब पे नहीं आना है कि ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता, तो ऑफलाइन में भी जो भी आपको आता है उसे करो, या कहीं भी खोल लो, सड़क पर खोल के बैठ जाओ कि हाँ भाई मुझे ये काम करना आता है, अगर आप करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। इससे आप कमाएंगे भी और खुश भी रहेंगे कि अपना काम कर रहे हो, और काम ना वही करने में मज़ा आता है जिसमें खुशी मिलती है। दोस्तों इस बात को आप समझो और नौकरी के पीछे भागना छोड़ो। सरकार को पहली बात ये बात समझनी चाहिए, लेकिन आपको भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, ये बात याद।